हेलो बेटा, वेलकम बैक बेटा। आज हम चैप्टर वन रियल नंबर्स के 5-1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ नंबर एन व्हेन डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, गिव्स द रिमाइंडर 5। वो कह रहे हैं अगर एक नंबर को, कोई एन नंबर है, 16 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर 5 आता है। उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, मान लो आपने एक एन नंबर है उसको आपने 16 से डिवाइड किया, क्वोशेंट इन्होंने दिया नहीं हुआ, आप एक्स ले लेते हैं और रिमाइंडर इन्होंने क्या बोला है, 5। गॉट इट। अब वही आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही लिखते हो ना। डिविडेंड इज इक्वल टू 16 इंटू क्वोशेंट यानी एक्स और प्लस रिमाइंडर इज 5, ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये x क्वोशेंट होता है और 5 क्या होता है, रिमाइंडर है, ये 5 इज द रिमाइंडर। तो 16 इंटू एक्स प्लस 5। अब 16 कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू 2 और x तो लगा रहने दो प्लस 5, यानी इसी n नंबर को, ये जो n नंबर है अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या आएगा, 2x, और रिमाइंडर क्या आएगा, 5। यानी अगर हम किसी नंबर को 16 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 5 आना है, और अगर हम 8 से डिवाइड करें तो तब भी रिमाइंडर क्या आना है, 5 आना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। हाँ बेटा, अब हमने इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बेटा आप देखिए, दोनों इसके अंदर देखिए, इसके पास भी 3 और 5 हैं, इसके पास भी 3 और 5 फैक्टर्स हैं। 3 और 5 दोनों फैक्टर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आप इधर ध्यान दीजिए, पहले कि इस वाले फैक्टर के पास ध्यान दें, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, उसके बाद देखिए इस वाले नंबर के पास, ये वाला नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पास 3 की पावर 3 है और इसके पास 3 की पावर 4 है। तो जो कम वाली पावर होती है एचसीएफ के केस में 3 की पावर 3, वो सिलेक्ट होती है, ठीक है। और अगर यही एलसीएम निकाल रहे होते तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और सारे फैक्टर्स लेते हैं। खैर एनीवेज, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। अब उसके बाद देखिए, इसी के अंदर अब आप 5 की पावर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए 5 की पावर, ये इधर 5 की पावर 4 है, इधर 5 की पावर 2 है, जो कम पावर होती है 2, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द एचसीएफ, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इधर दो नंबर हैं, ए के फैक्टर भी निकाल के दिए हुए हैं, इधर बी के भी, यानी नंबर की फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई की फॉर्म में है, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, यहाँ पे भी कौन से हैं, एक्स और वाई, तो दोनों फैक्टर को आप प्रोडक्ट में लिख लेंगे, पहला काम तो ये। उसके बाद क्या करेंगे, इधर एक्स की पावर कितनी है, 1, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 3, ज़्यादा वाली पावर को एलसीएम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इधर y की 2 पावर है, यहाँ y की कितनी पावर है, 5, तो ज़्यादा वाली पावर कितनी है, 5, तो y की 5, तो दिस इज द एलसीएम, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये फैक्टर ट्री दिया हुआ है, यानी ये y के फैक्टर करो, टुकड़े करो तो 2 और x आता है, और x के टुकड़े करो तो 5 और 7 आता है, ठीक है बेटे। तो अब इसका मतलब x के टुकड़े कौन कौन से, 5 और 7, यानी 5 इंटू 7 करके जो नंबर आएगा वो x होगा, 35, क्योंकि 35 के ही टुकड़े भी, यानी ब्रेक किया हुआ है, 5 और 7 आए हैं। अब ये 35 आ गया आपका, अब 35 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाएगा, यानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, x और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर y आ जाएगा। गॉट इट। योर आंसर इज y इज 70 एंड x इज 35, क्लियर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना। 25 रेज टू द पावर 2n माइनस इज डिविजिबल बाय, ठीक है, पहले तो आप नंबर्स में इस चीज को समझो। देखो बेटा, मान लो अगर आपके पास कोई नंबर है 6, मैं पूछूं ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप इसके फैक्टर्स बनाते हो, ठीक है, फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 3, गॉट इट, यानी 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, यानी फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कोई नंबर किस से डिविजिबल है, गॉट इट। अब मान लो कोई एक नंबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मैं बोलूँ ये भी नंबर है, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, छोटी क्लासेस से आप करते आए हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दो नंबर से डिविजिबल है, ए माइनस बी से और ए प्लस बी, ये भी नंबर्स हैं, ए माइनस बी एक पूरा नंबर है, एक यानी इन दोनों नंबर से ये पूरा नंबर डिविजिबल है, गॉट इट, यानी फैक्टराइज करना पड़ता है अगर आप जानना चाहते हो डिविजिबल है या नहीं। तो इधर भी हमें क्या है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, 25 रेज टू पावर 2n माइनस 9 रेज टू पावर 2n। बेटा ये हिंट हमें मिल जाता है 2 और ये ऊपर क्या है 2,
यानी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी इधर लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी जैसे आपने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में एक बार माइनस एक बार प्लस किया था, ठीक है, ऐसे ही आपको इधर भी करना है, 25 एक बार माइनस 9 और एक बार 25 प्लस 9। जब आप 25 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 16, और 25 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा 34। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 25 माइनस 9 यानी 16 से भी डिविजिबल है, 25 प्लस 9 यानी 34 से भी डिविजिबल है। गॉट इट बेटा? ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्विज के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।